हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एमडी परजन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही अमेजिंग दो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन के बारे में। ये नॉर्मल प्लेयर नहीं है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक लुक वाला म्यूजिक प्लेयर है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही स्मूथ वर्क करता है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये एप्लीकेशन को कहां से और कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा दोस्तों। और दूसरी बात, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो भी परमिशन मांगेगा, पूरी परमिशन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पूरा परमिशन देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर एमआई का स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसको ऑटो स्टार्ट का परमिशन भी देना पड़ेगा। दोस्तों, जो भी परमिशन है वो परमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद ये एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ वर्क करेगा। दोस्तों, इसमें आपको दो म्यूजिक प्लेयर बताऊंगा, वो दोनों बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूनिक प्लेयर है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सिंपली वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें एमडी परजेंस यूट्यूब चैनल को, ये लाल बटन दबा के, और ये नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एप्लीकेशन बम प्लेयर को ओपन करके आपको दिखा दूंगा। जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे दोस्तों, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, आपके सामने सीधा पॉपअप ओपन हो जाएगा। एक छोटा सा पॉपअप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ है ये पॉपअप ओपन। ऑटोमेटिक जैसे आप क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे उस पर, जैसे क्लिक करेंगे ये पॉपअप ओपन होगा। तो सिंपली ये पॉपअप क्या है, यहीं से म्यूजिक प्ले आप कर सकते हो। सिंपली पॉपअप में क्लिक करेंगे तो म्यूजिक प्लेयर ओपन हो जाएगा। प्ले करना है तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। दोस्तों, और सिंपली इसको बैक मिनिमाइज करना है तो सिंपली ये पॉपअप पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे मिनिमाइज होगा, सिर्फ पॉपअप पे क्लिक करेंगे फिर से ये ओपन हो जाएगा। जो भी सॉन्ग प्ले करना है यहाँ से प्ले कर सकते हैं, और सिंपली पॉपअप पे क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्तों आपको दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बता दूं। इसमें दोस्तों आपको एक सेटिंग्स में मिलेगा, सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के बाद उसके बाद यहाँ यस का निशान है, यस पे क्लिक करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको सिंपली इसको रिमूव कर देता हूँ, दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। दूसरा एप्लीकेशन है ईडीजी प्लेयर। तो चलिए दोस्तों, ईडीजी प्लेयर भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ, बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए सिंपली ईडीजी प्लेयर को ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। सिंपली फर्स्ट टाइम ईडीजी प्लेयर को ओपन करेंगे दोस्तों, तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो परमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों। परमिशन एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही दोस्तों आपको ऊपर यहाँ लिखा है ईडीजी प्लेयर, तो इसको सिंपली ऑन कर देना है दोस्तों। ऑन करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको मिनिमाइज कर देना है। जैसे मिनिमाइज करेंगे, आपके मोबाइल स्क्रीन के होम स्क्रीन पे या जहाँ पे भी हो, आपके राइट साइड में मोबाइल के स्क्रीन में एक छोटा सा पॉपअप नजर आएगा नोटिफिकेशन टाइप का। तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से ओपन होगा तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपको इस पॉपअप पे थोड़ा सा उंगली रख के स्वाइप अप करना है, तो आपका पूरा प्लेयर ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से प्ले और नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सारा कस्टमाइज है, आप अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सिंपली ये बाहर रहेगा नोटिफिकेशन, सिंपली आप अपने स्क्रीन पे टैप करेंगे, अंदर चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसके सेटिंग के बारे में बता दूं। सिंपली ईडीजी प्लेयर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ कॉर्नर में राइट साइड में आपको थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ सेटिंग्स मिलेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद थीम भी चेंज कर सकते हैं ईडीजी का, आप अपने जरूरत के हिसाब से जितना चाहें कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे कस्टमाइज है, सिंपली बैक हो जाएंगे। तो चलिए आपको बता दूं ये एप्लीकेशन कहां से और कैसे डाउनलोड करना है। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सिंपली प्ले स्टोर चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। पहला एप्लीकेशन है बम्प प्लेयर, तो सिंपली सर्च बार में सर्च करेंगे बम्प म्यूजिक प्लेयर। देख लीजिए दोस्तों, ऐसा आइकन है और इस टाइप का नाम है बम्प म्यूजिक प्लेयर। सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, परमिशन दे देंगे, एप्लीकेशन वर्क करेगा। दूसरा है दोस्तों, फिर से सर्च बार में सर्च कर लेते हैं दोस्तों ईडीजी प्लेयर। तो सिंपली ईडीजी प्लेयर सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ आ जाएगा दोस्तों S9 ईडीजी म्यूजिक प्लेयर। देख लीजिए यहाँ लिखा है S9 ईडीजी म्यूजिक प्लेयर। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे, परमिशन देंगे, ये एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों एमडी परजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। कुछ भी सवाल हो आपका, कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।